नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। माय नेम इज सनी वर्मा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट हालांकि टाइटल में लिखा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा आर्टिकल्स है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट हम कल करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, कौन कौन से कंसर्न्ड आर्टिकल है वो भी इसके बारे में देखेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ कम फास्ट। जय हिंद जय भारत दोस्तों, जल्दी से आ जाइए प्लीज़। एक बार शेयर कर दीजिए, जो ज्वाइन कर चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिए, सो डैट एस्पिरेंट्स कैन कम। चलिए जी, वेट करना पड़ेगा। अरे यार, इंतज़ार बहुत करवाते हैं आप लोग हैं। इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर एस्पिरेंट्स की। हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चले जी, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। कोई बात नहीं, कम बच्चे हैं तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि अनअकैडमी पर आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, अभी पहले 10% मिलता था डिस्काउंट, अब आपको 20% मिल रहा है। आज और आज के लिए ही वैलिड है ये, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, अगर हम गेट सब्सक्रिप्शन पर जाते हैं, प्लस चूज करते हैं, 6 मंथ उठा लिया हमने जी, ठीक है। और यहाँ पर हमने रेफरल कोड डाला टीम अर्पित, टीम अर्पित कैपिटल लेटर्स विदाउट स्पेस लिखना है आप सभी ने, ठीक है जी, ठीक है। अप्लाई किया, पहले आपको 10% मिलता था डिस्काउंट, अब देखिए जबरदस्त 20% मिल रहा है। 8000 की जगह 6477 रुपीस, ये बहुत जबरदस्त है। आज अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और रेफरल कोड यूज करते हैं टीम अर्पित, तो आपको 20% डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा। ये कल से वापस 10% हो जाएगा, राइट। सो ये कर लीजिए जल्दी से, ये बढ़िया रहेगा। चले जी, आज का टॉपिक हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कोई मुझे बता सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कब बना था, कब प्रोविजन में आया था? एक कुछ क्वेश्चंस है, आइए चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों क्या है कि हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इस लोकतंत्र के अंदर हमारे पास 3 पिल्लर हैं जो कि अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। और ये तीनों के तीनों जो पिलर्स हैं ये काम करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसी होगी, कभी भी डाउट या कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है इन तीनों पिलर्स के बीच में, तो कौन डिसाइड करेगा, एक इंटरप्रिटेशन कैसी होनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू बच्चे, उस इंटरप्रिटेशन को भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आपने किसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन देनी है, वो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है, सेपरेशन ऑफ पावर। किसी भी एक बॉडी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, कोई दूसरी बॉडी उसको चेक करती रहती है। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि लेजिस्लेचर सुप्रीम, सुप्रीम तो नहीं है, लेजिस्लेचर जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर कोई भी कानून बना सकती है पूरे भारत के लिए या पार्ट ऑफ इंडिया के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई एक एक्ट या उसका कोई क्लॉज डिस्प्यूटेड है, या तो कोई क्वेश्चन या फिर एम्बिग्यूटी के अंदर है ना, जैसे कि अभी पीछे फार्म एक्ट, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, फार्म एक्ट एक्सेप्ट नहीं किया सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंडल्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज होने की पावर कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, आर्टिकल 13 से, जुडिशियल रिव्यू। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडल्ज नहीं करेगा तो एक आर्बिट्ररी हमें चाहिए होता है, वो आर्बिट्ररी नहीं होगा, और एब्सोल्यूट पावर जो होगी वो लॉ मेकिंग बॉडीज के पास होगी। यहाँ पर अब अगर हम जुडिशरी की अब बात करें, तो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट सर, विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है, तो अब आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की अपॉइंटमेंट करते हैं। लेजिस्लेचर कुछ एब्सोल्यूट नहीं करेगा, इसकी पावर को चेक करते हैं जुडिशरी, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड मैनर में चलती है, फेडरलिज्म है हमारी जुडिशरी के अंदर भी, फेडरल स्ट्रक्चर है जुडिशरी के अंदर भी। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट, वैसे ही जुडिशरी के अंदर भी लेवल्स के ऊपर जुडिशियल बेंच बने हुए हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के लिए।
हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट एक से ज़्यादा स्टेट को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, जैसे कि आपके केरला का हाई कोर्ट केरल एंड लक्षद्वीप को भी लुक आफ्टर करता है, बंगाल का हाई कोर्ट जो है वो आपका अंडमान निकोबार को की जुडिक्शन के भी उसमें आती है, इसी के साथ साथ पुडुचेरी वहाँ पर जो जुडिक्शन है वो मद्रास हाई कोर्ट की आती है ना। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट एंड द कोर्ट ऑफ अपील, और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक ये जाते हैं, 124 से लेकर 148 तक, याद रहेगा ये प्लीज इसको लिख लीजिए, ठीक रहेगा, आर्टिकल 124 से 148 तक, राइट। चले सो इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर एंड सिंगल एंड यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम सिंगल एंड यूनिफाइड है, उस यूनिफाइड के अंदर आपके पास थ्री टीयर है, इट मीन्स फेडरल स्ट्रक्चर है, एक तो है सुप्रीम कोर्ट, एक है हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज चलते हैं जिनको आप सेशन कोर्ट भी कहते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पार्ट, अंडरस्टैंडेबल, गॉट इट? हाँ, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यस। सो एक छोटी सी हिस्ट्री हमारे पास, आइए हिस्ट्री के ऊपर देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, अब पहले क्या होता था जब राजतंत्र होता था, अभी तो लोकतंत्र है ना, अभी तो डेमोक्रेसी है, जब मोनार्की होती थी हमारे भारत में है ना, जब भगवान समान राजा जी होते थे, उन राजा जी के पास, उस मोनार्क के पास, उस सम्राट के पास एग्जीक्यूटिव पावर भी थी, लेजिस्लेचर पावर भी थी और जुडिशियर पावर भी उसी के पास थी, सेंट्रलाइज्ड कमांड के अंदर चलते थे। लेकिन अब क्या है कि जुडिशरी को एकदम सेपरेट बेंच बनाया गया, कब से, द प्रोमलगेशन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हेस्टिंग्स के टाइम पर, आपको याद होगा टी एक्ट के नाम से हमने बात पढ़ी थी, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, तो उस टी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट कैलकटा एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद फुल पावर एंड अथॉरिटी, ये सारी पावर दी गई थी आपके, एक कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1773 में वो प्रोविजन था उसका, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू हेयर एंड डिटरमिन ऑल कंप्लेंट्स, जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो ब्रिटिश इंडिया, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, अगर वो किसी भी तरीके के ब्राइबरी केस के अंदर या कोई भी कंप्लेंट उनके खिलाफ होती थी तो वहीं पर उनकी सुनवाई होती थी, कहाँ पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले इंडिया में जो बिगिनिंग हुई वो हुई कहाँ से, कोलकाता से, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश्ड बाय जॉर्ज किंग 1800 एंड 1823 रिस्पेक्टिवली, सबसे पहले एक कोर्ट बनाया गया कहां पर, कोलकाता में 1773 में, फिर 1800 में मद्रास एंड 1823 में सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे में बनाया गया उस टाइम बॉम्बे, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट पार्ट 5 में आएगा माय डियर फ्रेंड, चैप्टर 6, पार्ट 5 चैप्टर 6, ठीक है जी। गॉट इट? द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 क्रिएटेड हाई कोर्ट फॉर वेरियस प्रोविंसेस एंड एबॉलिश सुप्रीम कोर्ट एंड कोलकाता, मद्रास एंड बॉम्बे एंड आल्सो सदर अदालत इन प्रेसिडेंसीज जो बनी हुई थी तीनों ही जगह पर, उनको भी खत्म कर दिया गया। सदर अदालत जो आज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह काम करते हैं, तो क्या हुआ फिर डिफरेंट हाई कोर्ट्स में के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया जो पहले सुप्रीम कोर्ट बनाए गए थे, ठीक है जी, राइट। सो अब क्या हुआ कि जो फाइनल सुप्रीम कोर्ट आपके जो दिल्ली में है वो 1935 में बनाया गया, ठीक है। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसको सुप्रीम बॉडी बनाया गया, और वही जो बिल्डिंग है वो अभी तक वही बिल्डिंग है जो 1935 में प्रोविजन के साथ आई थी। इंडिया आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस इन 1947 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1935 में बनाया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है जी। और रिस्पेक्टिव जो जिसके अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे, इससे पहले जो भी कोर्ट काम करते थे वो उनके पास कोड्स होने चाहिए, यूनिफाइड कोड, तो वो थे आपके इंडियन पिनल कोड जो मैकॉले ने 1860 में बनाए थे, उस
इंडियन पेनल कोड को सबॉर्डिनेट्स एक सीआरपीसी एंड सीपीसी भी बनाए, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड सिविल प्रोसीजर कोड भी बनाए, जिसके अकॉर्डिंगली फैसले आज सुनाए जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार ध्यान से प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर पार्ट 5 चैप्टर 6, ठीक है। चैप्टर 1 में प्रेसिडेंट से, चैप्टर 6 में आपके जुडिशरी आती है, आर्टिकल 124 से 147 तक, ठीक है, पार्ट 5 के अंदर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 124, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का प्रिस्क्रिप्शन आर्टिकल 124 के अंदर, ठीक है जी, राइट। चलिए, साथ ही साथ किन किन मैनर के ऊपर काम करता है सुप्रीम कोर्ट, के पास कौन कौन सी पावर है, कौन कौन सी इनके पास अथॉरिटी है। तो सबसे पहले तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ये तीन है। अब यहाँ पर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएगा आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, जो ये रिट्स वगैरह इशू करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर करते हैं। अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन आप अपील भी कर सकते हैं, अगेन इसको भी हम यहाँ पर कर रिलेट कर सकते हैं कि अपील भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। लेकिन हर एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, जैसे कि आप प्रॉपर्टी के केसेस वगैरह नहीं, फंडामेंटल राइट्स के केसेस आप कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, प्रेसिडेंट सर जब भी एडवाइस मांगेंगे इनसे किसी भी कंसर्न मैटर में, तो इनको एडवाइस देनी पड़ेगी, बाइंडिंग नहीं है उसकी, ठीक है जी। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब इंडिया एक रिपब्लिक बना था तो एक जज होते थे, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज। धीरे धीरे जजेस एक पैनल के अंदर कन्वर्ट हो गए, ठीक है, CJI प्लस 3 अदर जजेस, वो भी एक पैनल है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अभी प्रेजेंटली 31 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस और 30 अदर जजेस, राइट। अब यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आ जाती है, एक तो होता है कॉलेजियम सिस्टम, एक होता है कॉलेजियम सिस्टम, और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट कह रही है कि हम जैसे UPSC होता है जो सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं, वैसे ही हम जजेस को अपॉइंट करने के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए एक कमीशन बनाएंगे, जुडिशियल कमीशन, नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो उसके पीछे अभी किसी ने भी उसको सेकंड नहीं किया, किसी ने भी उसको माना नहीं इस बात को गवर्नमेंट ने। क्या कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम की आपको अपॉइंट कौन करेगा, आप अगर जज बनना चाहते हैं तो आपको अपॉइंट कौन करेगा, तो जज ही एक जज को अपॉइंट करेगा, अभी तक कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है अभी। लेकिन एक जज को मेरिट के बेसिस पर ही आना है, अपनी नॉलेज के बेसिस पर, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए नेशनल जुडिशियल कमीशन। आइए दोनों के फर्क देखते हैं एक बार। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो देखिए 31-34 वेरी करते रहते हैं, अभी 31 थे, अभी 3-4 जजेस और ने अभी जो है वो ओथ लिया है। तो नंबर ऑफ जजेस एज सच कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। सीट क्या है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की सीट है दिल्ली, CJI भी दिल्ली में ही रहते हैं। और यहाँ पर जो प्रेसिडेंट सर एडवाइजरी काउंसिल की बात कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं होता है वो, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, द CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। समझ रहे बात को, एक कॉलेजियम सिस्टम है, अगर जज को की अपॉइंटमेंट होगी तो जज को ही जज अपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर। द CJI इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी प्रेसिडेंट सर। द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द CJI एंड सच अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्स नेसेसरी। तो यहाँ पर ये सारी की सारी एक
डिस्क्रिशनरी पावर जैसा है, ये बिल्कुल डिस्क्रिशनरी पावर जैसा है कि प्रेसिडेंट सर अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट सर अपॉइंट तो करेंगे ही, सीनियर मोस्ट जज होंगे और आफ्टर द कंसल्टेशन विद द कंसल्टेशन ऑफ दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जजेस भी एज ही डीम्स फिट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एज सच कुछ अभी कमीशन नहीं है जो कि आपके मेरिट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट और मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस फ्रॉम 1950 टू 1973। यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ, मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके भी क्वेश्चन एरिया में नहीं आता है। हालांकि मैं कॉलेजियम सिस्टम आपको जरूर बता देता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम वाज बोर्न थ्रू थ्री जजेस केस जो 1998 में हुआ था। इट इज़ यूज फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देर इज नो मेंशन ऑफ द कॉलेजियम आइदर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ना ही किसी दूसरे अमेंडमेंट में। ये एक कन्वेंशन की तरह ही चल रहा है कि एक कॉलेजियम बनाया गया है और उस कॉलेजियम के अंदर आपस में डिसाइड हो जाएगा कि किसको जज बनाना है। अ जज अपॉइंट्स जज। ठीक है जी, पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ओह माय गॉड, ये तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉलेजियम सिस्टम का अभी जो तोड़ निकाला है वो निकाला है एनजीएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है जी, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है फिलहाल एक 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2014 के अंदर, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट भी इसको कहा जाता है, टू रिप्लेस द कॉलेजियम सिस्टम। लेकिन इसके ऊपर ढेर सारी अटकलें हैं और कॉलेजियम सिस्टम ने इसको क्या किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तो अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मतलब कि जो प्रैक्टिस चलती रहेगी जज अपॉइंट जज की वो चलती रहेगी। चलिए, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज सुप्रीम कोर्ट जज, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल। He should have been a judge of High Court for 5 years. High Court के जज बनेंगे 5 साल तक और वहां के High Court के जज 10 साल तक। Oh my God. Oh Ram. Oh my God. दोनों मिक्स कर दिया आपने। नहीं, PDF कैसे मिलेगा बच्चे, मैं डाल दूंगा अभी, मैं अक्सर डाल देता हूँ लेकिन पीछे ना थोड़ा सा काम पेंडिंग रह गया। मैं क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर, एक टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है टीम अर्पित, उसको आप सभी ने ज्वाइन करना है, मैं वहां पर शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। राइट, चले, ठीक है जी। तो कैसे होगा अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज का, हाई कोर्ट के जज रहेंगे 5 साल तक, तब ट्रांसफर करेंगे। कॉलेजियम सिस्टम को लगेगा कि इज यू नो अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, वो प्रेसिडेंट सर के साथ कंसल्ट करेंगे एंड फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे या फिर वो वकील रहेंगे कहाँ पर, हाई कोर्ट के 10 साल तक। ठीक है, जज रहेंगे 5 साल तक। वकील रहेंगे 10 साल तक, ठीक है, चले। और अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट सर ही अपॉइंट करेंगे क्योंकि हमने सेपरेशन ऑफ पावर वाली बात करी थी। ठीक है जी, द Constitution has not prescribed a minimum age for appointment as the judge of the Supreme Court. तो कुछ minimum age यहाँ पर नहीं है। Oath and affirmation वो President sir के सामने ही लेंगे और Schedule 2 के accordingly लेंगे। ठीक है जी, a person appointed as judge of the Supreme Court before entering upon his office subscribe to an oath or affirmation before the President or some other person appointed by him for this purpose. अगर मन नहीं है उनका तो, ठीक है, यहाँ पर ये लिखी भी है इनकी कि ओथ क्या होती है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। टेन्योर ऑफ द जज, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ही होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 65 इयर्स। मैक्सिमम एज ये है कि 65 के बाद तो रिटायर होना ही पड़ेगा, और फिर वो अगर रिटायर होने से पहले वो रिजाइन भी करना चाहते हैं तो ही कैन रिजाइन एंड ही विल टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ओनली, क्योंकि जिनके सामने ओथ लिया उन्हीं को है आप रेजिग्नेशन देंगे। और अगर दो चीजें होती है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, अगर इन दोनों
कि चार्जेस उनके ऊपर लगे हैं तो उनको इम्पीच भी किया जा सकता है। और जजेस को अगर इम्पीच करना है सुप्रीम कोर्ट के जज को, तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए जिसका एक रेजोल्यूशन आएगा पहले, किसी भी हाउस में आ सकता है। जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। अब वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, आइए एक बार देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के अंदर पहले एक रेजोल्यूशन आएगा, उसको 50 मेंबर सेकंड करेंगे, उसके ऊपर फिर वोटिंग होगी, 2/3 मेंबर वोटिंग होगी, 2/3 मेंबर ने पास कर दिया तो उसको पास माना जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा वहाँ भी 2/3 वोटिंग होगी, उन्होंने भी कर दिया तो जज स्टैंड्स इम्पीच्ड। मिल जाएगा बच्चे, मिल जाएगा, अभी तो बोला कि क्लास के बाद दूंगा, इतनी क्या बेचैनी है यार, मैं दे दूंगा, डोंट वरी। The address must be supported by the special majority of each house. ठीक है जी, 2/3 member ने उसको पास करा है, दूसरे ने भी पास किया है, और किस ग्राउंड के ऊपर? Proved misbehavior and incapacity. Misbehavior, proved misbehavior. कोई भी कुछ भी वो misbehavior हो सकता है, bribery, nepotism, assault, किसी का भी वो, ठीक है जी, चलो। और इनकैपेसिटी कि अरे भाई साहब इनके बस की नहीं है, चलो चले आगे चलते। सैलरीज एंड अलाउंस की बात करते हैं, ये काम की बात है ना, है काम की बात, चले चले जी। द सैलरीज अलाउंस प्रिविलेजेस लीव एंड पेंशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमिंड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जैसे कि बात हो रखी है कि पावर अपॉइंटमेंट दूसरी ऑर्गन्स चेक करते रहते हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर क्या काम कर रहे हैं तो जुडिशरी चेक करते रहते हैं, जुडिशरी किस तरीके से चलेगा, क्या मैनर होना चाहिए, लेजिस्लेचर चेक करेगा। अपॉइंट इनको करेंगे प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट सर को खुद अपॉइंट करते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पावर बिल्कुल बटी हुई है सबकी, राइट। तो दे कैनॉट बी वैरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी तभी उनकी सैलरी कट होगी, अदरवाइज उनकी सैलरी के अंदर कमी नहीं ला सकते। ठीक है कि भाई साहब आपको लाख रुपए मिलेंगे महीने के अपॉइंटमेंट फिक्स, 4 दिन के बाद नहीं नहीं यार हो नहीं पा रहा, लाख रुपए 50,000 मिलेंगे भाई, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इंक्रीमेंट होगा लेकिन उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो एक्टिंग चीफ जज का भी एक हमारे पास प्रोविजन है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज एन एक्टिंग चीफ जज व्हेन द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट। तो एक्टिंग चीफ जज आ सकते हैं, कोई टेम्परेरी बेसिस के लिए बन सकता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्परेरली एबसेंट, बुखार वगैरह हो गया नहीं आ सकते। ठीक है, या फिर ऑफिस ही वैकेंट है टेम्परेरली। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफिस। हाँ ठीक है, चले एडोक जज वगैरह अभी नहीं मैं कर रहा हूँ, रिटायर्ड जजेस की बात कर लेते हैं। एट एनी टाइम द CJI कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो 65 ईयर्स की एज के बाद रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम, और हाई कोर्ट में वो 62 ईयर्स के बाद होते हैं, 62 हाई कोर्ट, 65 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, तो एट एनी टाइम CJI कैन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट और अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट हु इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। आपने देखा होगा कि कमीशंस बनती है, कमेटीज बनती है लुक आफ्टर करने के लिए किसी पर्टिकुलर मैनर को, बिल्कुल देखा है आपने। तो वो रिटायर्ड CJI होते हैं या रिटायर्ड जज होते हैं या जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है जी, चले। ही कैन डू ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आल्सो ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंट। ठीक है, डन। प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, अब प्रोसीजर जो लिखे हुए ना कोर्ट के कि किस कहाँ पर एपलेट ट्राइब्यूनल है, मतलब नॉट ट्राइब्यूनल, एपलेट ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में आएगी, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस आर्टिकल में आएगी, वो मैं लिख करके लाया हूँ। ठीक है जी, तो हम एक बार आर्टिकल टू आर्टिकल देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या है। ठीक है, मेरे पास आर्टिकल के साथ लिखी हुई सारी चीज़ें। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं फिर आर्टिकल के साथ देख लेंगे। ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर जा। ठीक है, तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है माय डियर फ्रेंड,
एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ फेडरल, मतलब कि सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ दिक्कत परेशानी है, स्टेट्स के बीच में आपस में कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है, सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स या अगर कोई डिस्प्यूट है, सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड मोर और मोर वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोई किसी तरीके का डिस्प्यूट है, स्टेट्स के बीच में किसी तरीके का डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट ही उसको ऊपर जजमेंट देगा, ठीक है जी। इन द अबव फेडरल डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट हैज द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, क्लियरली रिटन, अरे जबरदस्त, ठीक है जी, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहां पर, यहां पर, ठीक है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, सेंटर और स्टेट एक तरफ है और दूसरे स्टेट एक तरफ है, या फिर टू और मोर स्टेट्स के बीच में कुछ दिक्कत परेशानी है, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता दूं, बस बच्चे आप खाइए, थैंक यू सो मच। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वाटर जो रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उसके लिए ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, तो जितने भी वाटर रिलेटेड इश्यूज हैं उसके लिए वाटर ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो फैसले नहीं होते हैं, ठीक है, वो फैसले होते हैं ट्राइब्यूनल्स में। तो स्टेट्स के बीच में झगड़ा पानी को लेकर के है तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के, वो ट्राइब्यूनल में जाता है सीधा। बच्चे बार बार पढ़ना होता है और कुछ नहीं है, ठीक है जी। फर्दर दिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, यहां पर लिखा हुआ है देखिए कि किस किस जगह पर ये जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं रहेगी। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेटी एग्रीमेंट कोवेनेंट, इसका मतलब देखिए हमारे भारत में ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे पहले के कुछ जो ब्रिटिश एरा के एक्ट्स थे वो खत्म हो गए, जी नहीं, यहाँ तक कि जुडिशरी खुद आईपीसी के ऊपर चलती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का ही था, इंडियन पिनल कोड, ठीक है। तो अगर कोई एग्रीमेंट कोई संधि पुरानी हो रखी है तो वो ओरिजिनल जुडिक्शन में नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट के। एंगेजमेंट सनद एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, कोई एग्रीमेंट वगैरह जो है स्टेट्स के बीच में सेंट्रल स्टेट के बीच में वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आता। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह की कोई भी चीज नहीं आती है। वाटर डिस्प्यूट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट के पास। मैटर रेफर्ड टू द फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंशियल कमीशन जो भी मैटर्स या सजेशंस देता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस या टैक्सेस बोलता है वो भी नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर भी कुछ कुछ एग्जेम्पशंस है, ऑलराइट। चले रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट्स आर्टिकल 32 हैबियस कॉर्पस मैंडमस सर्टियोररी प्रोहिबिशन कोवरेंटो, चले। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स इंक्लूडिंग हैबियस कॉर्पस मैंडमस प्रोहिबिशन कोवरेंटो एंड सर्टियोररी, ये किस लिए दिया जाता है, टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट इफ वायोलेटेड, इफ वायोलेटेड, राइट। चले इन दिस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन दिस सेंस, मैंने पहले ही बोला था आपको स्टार्टिंग में कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर ही आएगा आपके फंडामेंटल राइट और वो एपलेट कोर्ट दोनों ही आएगा, ठीक है, आप अपील करेंगे तभी तो उसकी जुडिशरी वो जो सुप्रीम कोर्ट है ज्यूरिसडिक्शन देगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे में तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, आपको पुलिस के पास जाना पड़ता है एक रिपोर्ट लिखवाने, अदरवाइज कुछ नहीं, ठीक है। दिक्कत हो रही है बहुत, क्या दिक्कत हो रही है, कल तो हमारी बात हो रही थी जब कल मैंने मॉक टेस्ट लिया था तो उसमें से 4-5 एस्पिरेंट्स ने कहा था सर जितना आपने पॉलिटी अभी कवर करवाया हमने उसको कर लिया है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एक सब्जेक्ट को करवा करके थोड़ा सा टाइम देता हूं ताकि आप लोग उसको कवर कर ले रिवाइज कर ले, और आपने नहीं किया बच्चे तो फिर बताइए कैसे होगा। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एटलीस्ट 45 मिनट्स तो दें इस सब्जेक्ट को, जीएटी सेक्शन को एटलीस्ट 45 मिनट्स तो दें,
तो ज़्यादा तो मैंने कवर नहीं कराया अभी, तो आर्टिकल 123 तक ही हमने कवर किया था। उसके बाद जो है आपने अब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, लेकिन करना पड़ेगा आप 2-3 डेज के अंदर आप करके उसको ख़त्म कर दीजिए। बच्चे नहीं पढ़ा है तो फिर बताइए किसकी गलती है। अब इसमें अब क्या बताइए, है ना, गलत बात है ना। आपको बोलना चाहिए कि सर अब मैंने कर लूंगी मैं जल्दी, डोंट वरी, आप यू कैन कैरी ऑन। चले जी, ऑलराइट, चले। इन दिस रिगार्ड सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अगर वो रिट जुरिसडिक्शन है वो भी एक जुरिसडिक्शन है। हाउएवर द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट एक्सक्लूसिव, सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ जुरिसडिक्शन नहीं है रिट्स की, वो हाई कोर्ट के पास भी है, ठीक है। चले, अपेलेट जुरिसडिक्शन, अपेलेट का मतलब है अपील करना, टू अपील, राइट। द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड हेयर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। It enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified into four head: appeal in constitutional manner, appeal in civil manners, appeal in criminal matters, appeal by special leave. Appeal कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो generally माना जाता है कि हाई कोर्ट के अंदर ही जो final जो decree होती है वो हाई कोर्ट तक ही solve हो जाती है, ठीक है। चले, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि प्रेसिडेंट सर इनसे एडवाइस ले सकते हैं किसी भी मैटर में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 143 ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ, कभी भी जरूरत पड़ती है अगर प्रेसिडेंट सर को, और या फिर कोई डिस्प्यूट प्रेसिडेंट सर ही किसी ट्रीटी एग्रीमेंट वगैरह का के ऊपर कुछ जो है अपना लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आपने देखा होगा ये एन मोटी मोटी किताबें होती हैं, है ना, जिसके अंदर अब जैसे केशवनंद भारती केस है, गोलकनाथ केस है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कितने केसेस हैं ना, एसआर बम्बई केस, ये सारे केसेस को रिकॉर्ड में रखा जाता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट हैज टू पावर, द जजमेंट प्रोसीडिंग एंड एक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी, कि उस टाइम पर यह इंटरप्रिटेशन हुई थी, ये फैसला दिया गया था, इन इन बुक्स का सारा लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया, उसको लिख दिया गया फ्यूचर के लिए, ठीक है जी। दिस रिकॉर्ड्स आर एडमिटेड टू बी evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court. तो यहाँ पर इसको उसके पीछे उस टाइम पे CJI कौन थे, जज कौन थे, सिचुएशन क्या थी, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन किया गया, ये फ्यूचर के लिए रखा जाता है, ठीक है। चले, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13 क्या है जुडिशियल रिव्यू, अरे कर लूंगी फिर मिलेंगे लाइव क्लास में। अरे भाई अभी तो ये पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बैकलॉग है वो आप तब कवर करना। चले, जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में आता है, ये जो भी कोई बिल है, कोई एक्ट है, कोई ऑर्डिनेंस है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी। तो ऑन एन एग्जामिनेशन इफ दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल किसके बाद होगा, ये आर्टिकल 13 में पावर दे रखी है, आर्टिकल 13 में ये पावर दे रखी है कि लेजिस्लेचर के अंदर, लेजिस्लेचर के पास भी एक्सक्लूसिव पावर नहीं है किसी एक्ट को बनाने की, वो रिव्यू किया जा सकता है, अगर रिव्यू करने के बाद उसको लगा, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये
तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो रिपील करेंगे या सस्पेंड करेंगे या फिर उसको एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब देखिए आर्टिकल वाइज, आर्टिकल 124, एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देयर शैल बी अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना। तो ये तो बात 124 में लिखी हुई है। 125 में आ जाते हैं, उनकी सैलरी लिखी हुई है, सैलरी एक्सेट्रा ऑफ जजेस, देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और ये जो सैलरी है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलती है और ये जो इसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, ठीक है। वोटिंग होती है, क्या कहते हैं उसको, अपना डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स जो आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंगली, इट मीन्स आपके बजट के अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर लिखी होती है, ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन बिल के अंदर नहीं लिखी होती, ये तो हमने देनी ही है, पे ही करनी है, ठीक है। देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सच सैलरीज एज डिटरमिंड बाय द पार्लियामेंट, इसलिए कहा गया है कि इनको, इनके ऊपर वोटिंग नहीं होती, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल के अंदर आती है ये। आर्टिकल 126 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, आर्टिकल 126 के अंदर एक्टिंग चीफ जस्टिस, जब सीजेआई ऑफिस में नहीं है, वैकेंट है, तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस हो सकते हैं, ये 26 में लिखा है। 126 में, 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, वही जो टेम्परेरी ज्वाइन होंगे वो कैसे होंगे, इफ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी अ क्वोरम ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट रिक्वेस्ट इन राइटिंग द अटेंडेंस एट द सिटिंग ऑफ द कोर्ट एज एड हॉक जजेस। मतलब कि अगर 3 जज पैनल एब्सेंट है, उसमें से एक जज नहीं है, तो सीजेआई बुला सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज को वहाँ पर फिलहाल बैठने के लिए कि आपकी जरूरत है यहाँ पर, आप एक अच्छे ज्यूरिस्ट हैं, आप इस फैसले को लुक आफ्टर करेंगे हमारे साथ, तो उनको हाई कोर्ट जजेस कहा जाता है, सॉरी एडहॉक जजेस कहा जाता है। एडहॉक जजेस आर्टिकल 127 के अंदर आते हैं, प्लीज याद रखेंगे सभी। अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 128 के अंदर, किसी भी कमेटी को का गठन किया जाता है या फिर स्पेशली बुलाया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट की जो जो फिलहाल जो ज्यूरिडिक्शन चल रही है उसके अंदर आप पार्ट ले सकते हैं, हालांकि वो रिटायर्ड भी है तो क्या हुआ, ठीक है। तो 128 के अकॉर्डिंगली अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, राइट। चल 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 129 के अंदर जो कुछ भी फैसला लिखा जाएगा उसको ड्यूली लिखा जाता है बुक्स के अंदर। 130 के अंदर सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि दिल्ली इज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 130 के अंदर। 131 के अंदर अब शुरू होता है आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब शुरू होता है आपका जो क्वेश्चन एरिया, अब यहाँ से आएंगे आपके, एक 126 127 से आ सकता है क्वेश्चन आपका, एडहॉक जज एंड द एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एडहॉक जज 126 127। 131 के अंदर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है या स्टेट के आपस में डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगी, ठीक है। उसके अंदर भी एक्सेप्शन है, वाटर डिस्प्यूट वगैरह, एग्रीमेंट वगैरह वो नहीं सुलझाएगी वो, गॉट इट। 132 के अंदर अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, अपील कर सकते हैं। रिट वाला जो रिट वाली जो पावर है वो आपके 132 में ही आएगी। अब देखिए रिलेशन 132 एंड 32, 32 के अंदर रिट्स लिखी हुई है और 132 के अंदर एपलेट ज्यूरिसडिक्शन, आप रिलेट कर सकते हैं, इजिली याद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो लाइक कब करेंगे आप लोग, लाइक तो कर नहीं रहे यार, ना शेयर कर रहे हो, एस्पिरेंट ही नहीं आया आज तो है। हाँ जी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, अपने आप ही ऑफ हो गया था मॉनिटर, मतलब सिस्टम अपने आप ही बंद हो गया। हाँ जी, ऑडिबल नाउ,
क्लियर, चले बढ़िया हो गया। चले चलते हैं आगे। 132 के अंदर एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन आती है, 133 के अंदर एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन अगेन, लेकिन हाई कोर्ट ने फाइनल डिक्री दिया, उसके बाद अपील फिर भी कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर्स के अंदर। ये सर्टन केसेस होते हैं, ये जब हाई कोर्ट को लगता है कि इसके अंदर इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए और एक नेशनल इम्पोर्टेंस या एक एक अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का केस है जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के, ये तभी वहाँ पर जा सकता है, अदरवाइज फाइनल डिक्री जो है वो हाई कोर्ट की ही मानी जाती है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो 133 सिविल मैटर्स के अंदर, ठीक है, 134 क्रिमिनल मैटर्स के अंदर एपलेट ज्यूरिस्डिक्शन, अगेन हाई कोर्ट की फाइनल डिक्री होती है लेकिन जो नेशनल इम्पोर्टेंस या अटमोस्ट इम्पोर्टेंस की बातें हैं ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं केस, हाई कोर्ट खुद, ठीक है, के बाद जाते हैं वहां पर प्रोसीड करते हैं क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। 134A हम नहीं कर रहे हैं, 135 के अंदर आएंगे, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। हम यहां पर एक बात देख लीजिए कि जो इंटरप्रिटेशन की हमारी बात हुई थी तो 135 और 147 के अंदर रिलेशन है कि इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करेगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। Until Parliament by law authorized provides, the Supreme Court shall also have jurisdiction and power with respect to any matters to which the provision of Article 100 do not apply. If jurisdiction and power in the matter of this, Article 147 आपको क्या कहता है, पहले मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। 147 कहता है कि आपकी interpretation कैसी होनी चाहिए, इंटरप्रिटेशन कैसे होनी चाहिए इन दिस चैप्टर एंड पार्ट 5 ऑफ द पार्ट 6। ये कह रहा है कि आपकी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन की होनी चाहिए जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लिखा गया था या बनाया गया था जिस प्रोविजंस के साथ, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के प्रोविजंस के साथ आपकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी एक्ट सबॉर्डिनेट करते हैं या जो भी रिलेटेड एक्ट्स हैं उनको आप सेकंड रखेंगे, तो आपकी अटमोस्ट इंटरप्रिटेशन 135 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और उसके साथ जितने भी सप्लीमेंटिंग एक्ट थे वो आपकी इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और उसके साथ जितने भी ऑर्डर आए थे उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इंडिया इज़ फ्री एंड सोवरेन कंट्री, ये सभी चीज़ें आपकी इंटरप्रिटेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। 1935 में फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट और UPSC वगैरह सब उसी टाइम पे बनाए गए थे, तो आपकी इंटरप्रिटेशन एक इंडिपेंडेंट बैनर में होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, ये आर्टिकल 147 कहता है। अब 135 के पास थे ना, 135 आपका क्या बोलेगा, 135 आपका बता रहा है कि आपकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होगी लेकिन जितने भी एक्ट जुडिशरी ने बनाए हैं उसको भी साफ साथ लेकर के चलेंगे, राइट, नॉट जुडिशरी ने, आपका लेजिस्लेचर ने बनाए हैं, ठीक है, जो भी लोकसभा राज्यसभा जो भी सब्सिक्वेंट टाइम के साथ साथ एक्ट बना रहे हैं तो आपका इंटरप्रिटेशन उसके साथ अपग्रेड होना चाहिए, राइट। चलिए चलिए आज मैं इतना ही करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा अच्छा खासा है सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स हैं, आप 135 तक याद कर लीजिए, मैं कल 136 से कंटिन्यू करके 147 तक जाऊंगा एंड हाई कोर्ट भी हम कल ही करेंगे, राइट। चले ठीक है, तो एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।